जय श्री स्वामीनारायण एस एस सी एम स्कूल सी बी एस ई रन बाय श्री सहजानंद गुरुकुल मानकुआ वेलकम्स यू टू द ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट ऑफ क्लास क्लास टेन टुडे वी विल डिस्कस अवर टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स सो बिफोर आई स्टार्ट टू बिफोर आई स्टार्ट द न्यू पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर let us introduce you about uh, which points we will discuss in this video so in this video we will discuss about the two points that is uh, national development and then we will discuss about how to compare different countries and uh, state or a state so let us start the third point of this chapter that is national development so

कि डिफरेंट पीपल सिक्स डिफरेंट गोल्स यानी कि जो हर एक इंसान होते हैं उसके अपने अलग अलग गोल्स होते हैं उसके अलग अलग एस्पायरेशन होते हैं सो so, उसकी उसी तरह से सेम इन व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल डेवलपमेंट ईच एंड एवरी पर्सन एवरी डिफरेंट पर्सन कैन हैव अ डिफरेंट नोशंस ऑफ द नेशनन्स डेवलपमेंट यानी कि उसके हर एक इंसान के अपने डिफरेंट थिंग्स और अपने डिफरेंट विचार होते हैं अपने देश के अपने कंट्री के विकास के लिए अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सो डिस्कस अमोंग अमोंग योर सेल्फ ऑन वॉट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट तो हम अपने हमारे में भी ऐसे बात कर सकते हैं हमारे बीच में कि भारत के विकास के लिए इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं तो मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू द अबो क्वेश्चन यानी कि हम यहीं यू ना ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास रूम गिव द डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट अलग अलग प्रकार के वो अपनी बात रखेंगे कि हमारे देश में क्या होना चाहिए हमारे देश में क्या नहीं होना चाहिए तो सबके अलग अलग विचार होंगे तो इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दिस और अगर हम किसी एक इंसान अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो अगर मैं अपनी बात करूँ यार आ, या आप अपनी बात करें तो आप भी कहीं अलग अलग प्रकार के आ, गोल्स और अलग अलग प्रकार के थिंग्स और विचार अपने मन में आपके दिमाग में आएंगे जो एक दूसरे से अलग अलग होंगे So it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. So, mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट यानी कि हर एक इंसान के अपने देश के विकास के प्रति अलग अलग प्रकार के सोच अलग अलग प्रकार की सोच और अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं सो हाउ एवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर इक्वली इम्पोर्टेंट और इफ़ देर आर हाउ डज वन डिसाइड वॉट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल और अगर हम ऐसा कहें कि जो सभी ओ जो सभी इम्पोर्टेंट जो भी आइडियाज़ दिए जो भी हमने आइडियाज़ हमको मिलते हैं क्या वो सभी इम्पोर्टेंट हैं और अगर उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग यानी कि कुछ विरोधाभास हैं तो हम वो कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़फुल है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वोट और वो कौन सा ऐसा आइडिया होगा जो सब जो फेयर यानी कि जो योग्य होगा और जो सबके लिए हम सबके लिए हम उसको यूज़ कर सकें तो वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि जो भी आइडियाज़ आए उनमें से और उसके अलावा भी कोई अच्छा ऐसा आइडियाज़ और अच्छा ऐसा रास्ता है कि जो सबको फ़ायदेमंद हो और कम से कम लोगों को नुकसान हो सो वुड बी वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप तो क्या जो आइडिया हमने जो विचार है नेशनल डेवलपमेंट के प्रति उस आइडिया वो आइडिया ज़्यादातर लोगों को जो सब लोग हैं उन सब को फ़ायदेमंद रहेगा बेनिफिट रहेगा या फिर कुछ कुछ स्मॉल ग्रुप हैं यानी कि कुछ ही लोगों को फायदेमंद रहेगा सो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन तो नेशनल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो उसमें इस प्रकार के प्रश्नों के ऊपर इस प्रकार के क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की जाती है सो फ्रेंड्स लुक नेक्स्ट हेयर इज अ टैब इन विच देर आर आर टू पॉइंट गिवन इन द टैब द फर्स्ट वन इज लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट तो यहाँ पर राइट right साइड में एक पिक्चर दी गई है उसके और लिखा हुआ है कि वॉट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर सच एन एरिया तो जो ये पिक्चर दी गई है उसमें हम देख सकते हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग है एक दो बड़ी बिल्डिंग है जिसमें जो बहुत लंबी बड़ी है और उसमें लगता है कि सारे अमीर लोग रहते होंगे और उसी के सामने नीचे आप देख सकते हैं कि एक झोपड़पट्टी यानी कि स्लम एरिया है जिसमें बहुत सारे गरीब मजदूर रह रहे हैं तो उसके ऊपर से एक क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर सच एन एरिया तो उस एरिया के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा वहाँ के जो पीप जो पब्लिक है वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा तो हम कह सकते हैं कि जो वहाँ के स्लम एरिया है उनके डेवलपमेंट गोल ऐसे होंगे कि उनको भी अच्छे मकान मिले उनको भी ऐसी बिल्डिंग्स में रहने को मिले उनको अच्छा पानी मिले इलेक्ट्रिसिटी मिले उनको उनके लिए हेल्थ केयर ऑफिस हो यानी कि मेडिकल सर्विसेज हो और उनकी हेल्थ अच्छी रहे उनको एयर एयर अच्छी एनवायरमें अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो उस तरह के डेवलपमेंट गोल्स वहाँ के लोगों के हो सकते हैं देन अनदर पॉइंट इज रीड दिस न्यूज़ पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो तो उसके बाद एक न्यूज़ पेपर का रिपोर्ट यहाँ पर दिया गया है जो उसको रीड करने के बाद उसके नीचे जो दिए गए जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने के हैं तो आ, A vessel dumped 500 tons of liquid toxic wastes into open air dumps in a city and in the surrounding area. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes from the highly toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. आफ्टर मंथ सेवन पर्सन व डाइट ट्वेंटी इन हॉस्पिटल एंड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि एक जहाज़ में से पाँच सौ टन जितना लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट है वो किधर डंप किया गया है तो एक सिटी है और उसके सराउंडिंग एरिया में उधर डंप, यानी कि उधर डाला गया है दिस हैपन इन द सिटी कॉल्ड अबिजान इन आइवरी कोस यानी कि ये कौन सी सिटी है एक अभीजान नाम की एक आइवोरीकोस्ट जो कंट्री है उधर है और ये कंट्री कहाँ की है वो कंट्री अफ्रीका खंड यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है द फ्यूम्स फ्राम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कोज नोसिया स्किन रेसेस फेंटिंग डायरिया एट्सेट्रा यानी कि जो वो पॉइजनिंग जो उसकी फ्यूम होती है उसकी जो जहरीली हवा होती है उसकी वजह से वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनको उसकी अफेक्ट यानी कि उसकी असर हुई हो और उसके कारण वहाँ के जो लोग हैं उनको नौसिया स्किन रेसेस फेंटिंग डायरिया जैसे प्रॉब्लम्स आई है एंड आफ्टर अ मंथ सेवन पर्सन वर डाइड यानी कि उस वो डम करने के बाद वहाँ के जो लोग थे उधर एक महीने के बाद उस फ्यूम के कारण साथ जितने वहाँ के जो रहने के रहने वाले लोग थे उनकी डेथ हो जाती है ट्वेंटी इन हॉस्पिटल यानी कि बीस से बीस लोग हॉस्पिटल में हैं एंड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग और छब्बीस हज़ार छब्बीस हजार जितने जो जो वहाँ के रेसिडेंट्स जो रहने वाले लोग थे उनको उनके अंदर इस पॉइजन इस शहर का सिम्टम्स यानी कि उनके लक्षण पाए गए थे uh, तो ये सब कैसे हुआ अब मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल हैड कॉन्ट्रैक्टेड अ लोकल कंपनी ऑफ द आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप्स तो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जो पेट्रोलियम और मेटल के डीलिंग का काम करती थी उसने आइवरी कोस्ट की एक लोकल कंपनी जी जो कॉन्ट्रैक्ट लेती थी उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि उसकी सीप से ये जो सारा टॉक्सिक लिक्विड टॉक्सिक है उसको वहाँ से टम्प करे तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई थी तो यहाँ पर अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन हैं कि हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट तो इसमें ऐसा पूछा गया है कि जो ये हुआ जो जिधर वो ये लिक्विड फेंका गया था जिधर वो डम्प किया गया था तो उसकी वजह से किसको फ़ायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनी थी वो और जो लोकल कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली जो आइवरी कोस्ट की कंपनी थी उसको फ़ायदा हुआ है और जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वहाँ के जो रेसिडेंट्स थे और जो वहाँ लोग रह रहे थे उनको नुकसान हुआ है देन अनदर क्वेश्चन इज वॉट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री तो फिर इस कंट्री जो आइवरी कोस्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री तो उसके डेवलपमेंट गोल उस कंट्री के लिए क्या होंगे तो हम कह सकते हैं कि वहाँ जो भी ऐसा काम होता हो तो उधर स्ट्रिक्ट रूल हो पॉल्यूशन कम हो और वहाँ जो ऐसा डिस्पोजल खुलेआम कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ऐसी अच्छी सुविधा हो कि किसी एक जगह पर ऐसे ऐसे जो टॉक्सिक वेस्ट हैं जो पॉइजन एयर वाले जो जो भी चीज़ हैं उसको कहीं एक जगह पर फेंका जाए और वहाँ की जो पब्लिक है उनको अच्छा एजुकेशन मिले अच्छे स्वस्थ एनवायरनमेंट मिले वो सब वहाँ के डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं देन अनदर टैब क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी सम ऑफ़ द डेवलपमेंट गोल फॉर योर विलेज टाउन और लोकलिटी तो आपके जो आपका जो विलेज है जो टाउन है और जो लोकलिटी है उसके डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे तो वो आप अपनी तरह से लिख सकते हैं उसके बाद एक एक्टिविटी दी हुई है जो एक्ट जिसके बारे में मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ और आप अपनी तरह से भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं तो इफ़ इवन

एक दूसरे से यू you नो know, विरोधी भी विचार हो आइडियाज़ हो तो फिर उसको पाने के लिए उस 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 कंट्री को डेवलप करने के जो रास्ते हैं उसमें भी डिफरेंस तो होना ही है तो अगर आपको कोई ऐसा इफ़ यू नो ऑफ एनी सच कंट्रोवर्सी ट्राई टू फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट्स एडवांस बाय डिफरेंट पीपल तो अगर आप कुछ कोई ऐसा किस्सा कोई ऐसा मुद्दा पता हो कि जिसमें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी हुई हो और जिसमें जिसके ख़िलाफ़ भी और जिसके अगेंस्ट और जिसके साथ भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं तो उसके रिलेटेड रिलेटेड डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं तो इसके लिए आप वो इश्यू के और वो जो कॉन्ट्रोवर्सी है उसके रिलेटेड और उसको उसके बारे में जो जानता है उसको आप उससे बात करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर उसके बारे में जो न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स जो न्यूज़ चैनल है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आई हो उसको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो हमारे भारत में जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसमें थोड़े थोड़े टाइम पहले एक कलम थी यानी कि एक आर्टिकल था 370 यानी कि 370 की जो कलम हटाई गई थी तो उसके ऊपर काफ़ी आर्ग्यूमेंट और कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये कलम हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए तो उसके बारे में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हुए थे तो उसके रिलेटेड आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं तो दोस्तों ये जो पॉइंट था हमारा तीसरा पॉइंट इस चैप्टर का दैट इज़ नेशनल इनकम वो यहाँ पर पूर्ण हो खत्म होता है तो आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंड द पॉइंट वेरी वेल नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज़ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट तो अब हम कैसे किसी कंट्री और uh, कोई स्टेट को कम्पेयर करें कि कौनसा क्राइटेरिया यूज़ होना चाहिए किस तरह से कंपेरिजन होना चाहिए तो उसके बारे में समझेंगे तो लुकट यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड अगर जो डेवलपमेंट के प्रति जो हमारी थिंकिंग है हमारे जो विचार हैं और जो रास्ते क्राइटेरिया हैं वो जो अलग अलग हैं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई कंट्री है वो डेवलप्ड है और कोई कंट्री है वो अंडर डेवलप्ड है बिफोर वी कम टू दिस लेटस कंसिडर अनदर क्वेश्चन अगर इसके बारे में बात करने से पहले इधर एक और क्वेश्चन है उसके बारे में हम समझ लेते हैं पहले तो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस यानी कि हम कोई भी अगर ऐसी कम किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं यानी कि एक एक तरह की होती हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिमिलर uh, नहीं होती यानी कि उनके बीच में क्या होता है डिफरेंस होता है तो विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम तो अब उसको कंपेयर करने के लिए हम कौन से एस्पेक्ट को यूज़ करें लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इट्स तो हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर हमारे हमारे क्लास में भी हम देखते हैं कि सभी डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के और डिफरेंट स्किल्स के स्टूडेंट्स होते हैं तो हम तो हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट तो हम उन स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करें तो ये सब सवाल उठते हैं तो हम देखते हैं क्लासरूम में कि दे डिफर इन देअर हाइट में हाइट हेल्थ टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट तो ये सारे अलग अलग जो स्किल्स होती हैं जो क्राइटेरिया उनमें जो स्टूडेंट अलग अलग स्किल और अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स में तो हम वो ये भी देखते हैं कि द हेल्थियस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडियस वन एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स तो हम देखते हैं कि जो जो हेल्थियस्ट यानी कि जो अपनी बॉडी में और जो हेल्थ में जो अच्छा होता है वो पढ़ाई में इतना नहीं होता है आगे और जो पढ़ाई में जो इंटेलिजेंट होते हैं वो फ्रेंडलीस्ट नहीं होते हैं कई बार दूसरों को बुलाते भी नहीं सिर्फ अपने में ही रहते हैं सो हाउ डू वी कम्पेयर द स्टूडेंट्स तो हम उन स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करें द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द परपज ऑफ कंपेरिजन तो हमको जो भी कंपेरिजन करना है उसका पर्पज़ क्या है उसका हेतु क्या है उसके आधार पर हम कंपेरिजन के क्राइटेरिया तय करते हैं वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज़ अ स्पोर्ट्स टीम अ डिबैट टीम अ म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ प पिकनिक स्टिल इफ फॉर सम परपज वी हैव टू चूज द क्राइटेरिया फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास हाउ शेल वी डू इट तो हम जिस तरह का हमारा पर्पज़ होता है उसके त उसके, ता, उसके मुकाबले हम उसका कंपेरिजन करने के लिए जो क्राइटेरिया चूज करते हैं लेकिन अगर हमको कुछ ऐसा कुछ ऑलराउंड यानी कि इधर लिखा हुआ है कि ऑलराउंड प्रोग्रेस को अगर हम चिल्ड्रन के ऑलराउंड प्रोग्रेस को कंपेयर करना हो तो तब हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे तो यूजअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन देस कैरेक्टरिस्टिक तो हम कुछ ऐसे उनके एक, से एक और एक से ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक है उनका उपयोग करेंगे कंपेरिजन के लिए एंड uh, uh, वो उसके ऊपर आधारित रहेगा ऑफकोर्स देर कैन बी डिफ्रेंस अबाउट वॉट आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड बी फॉर्म द बेजिक ऑफ कंपेरिजन तो कहीं बार ऐसा भी प्रश्न होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक हमने तय किए हैं उनमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा जो सबका बेजिस हो उस सबका मूल हो कि जिसके आधार पर हम कंपेरिजन करें तो वो ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंडलीनेस हो एंड स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन हो क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड ये सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं दिस इज़ ट्रू टू ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू यानी कि जो हमने एक ये एग्ज़ाम्पल देखा कि स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करें जो डिफरेंस होते हैं स्टूडेंट में फिर भी हम उनको कौन से क्राइटेरिया से उनका कंपेरिजन करें तो इसी तरह से ऐसे ही डेवलपमेंट जब डेवलपमेंट की बात आती है जब किसी कंट्रीज को कंपेयर करना हो किसी स्टेट को कंपेयर करना हो डेवलपमेंट कितना हुआ है उनका तो तब भी ऐसे ही कंपेरिजन करते हैं तो उसके लिए फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़ देयर इनकम इज कंसीडरेट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो जब हम कोई कंट्री को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए उसका सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है कम्पेरिजन का वो होता है इनकम कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम यानी कि जो कंट्री की इनकम ज़्यादा होती है वो कंट्री को हम ज़्यादा डेवलप्ड कहते हैं और जिनकी इनकम कम होती है उनको हम अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड uh, कंट्री नहीं कहते दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग नीड एक तरह से इसका ये भी इसको इस तरह से भी समझा जाता है कि जहाँ ज़्यादा इनकम होंगी वहाँ के लोग अपनी ज़रूरतों को तो अपनी जो नीड्स है उसको ज़्यादा अच्छी तरह से अच्छी तरह से पा सकेंगे उसको ज़्यादा अच्छी तरह से यू नो you know, हम कह सकते हैं कि उसको अच्छी तरह से मिल, ले सकेंगे वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम सो ग्रेटर इनकम इट्सल्फ इज कंसिडर टू बी वन इम्पोर्टेंट गोल यानि कि जो इनकम है वो ही एक इम्पॉर्टेंट गोल माना जाता है जिसके वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो ज़रूरत है उसको कंप्लीट कर सकें उसको पा सकें ना वॉट इज़ द इनकम ऑफ कंट्री तो ये जो इनकम ने हम बात करते हैं कि कंट्री की इनकम तो ये कंट्री की इनकम क्या है तो इनिटूली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री यानी कि जो वो कंट्री में रहने वाले लोग हैं उन सभी की जो इनकम होती है उसको प्लस करके जो हमको इनकम मिलती है वो पूरी कंट्री की इनकम होती है दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हाउ फिर भी फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एंड यूजफुल मेज़र फिर भी अगर हम कोई कंट्री को कंपैरिजन करना हो तो सिर्फ इनकम वही सिर्फ अंतिम कंपैरिजन का क्राइटेरिया नहीं होता है टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर सिंस कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन कम्पेरिज टोटल इनकम विल नॉट टेल अर्स वॉट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अन तो अब हम देखते हैं कि हर कंट्री की अगर इनकम से ही सिर्फ हम कंपेरिज़न करें तो हम देखते हैं कि सभी कंट्री में पॉपुलेशन अलग अलग होती है तो अगर हम सिर्फ इनकम के आधार पे ही किसी कंट्री को कम्पेरिज़न करें तो उससे हमको ये नहीं पता चलेगा कि कोई कंट्री का कौन सा कौन से लोग कितने कमाते हैं और उससे हमको Uh, जो उसका जो सच्चा आँख होना चाहिए वो भी नहीं मिलता सो आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन तो फिर हम क्या करते हैं तो हम एवरेज इनकम से किसी कंट्री को कंपेयर करते हैं तो जो ये एवरेज इनकम है वो क्या है तो एवरेज इनकम टोटल इनकम ऑफ कंट्री यानी कि जो कंट्री की टोटल इनकम है उसको किसके साथ डिवाइड कर दिया जा जाता है टोटल पॉपुलेशन यानी कि जो कंट्री में जो पॉपुलेशन है किसी भी पर्टिकुलर उसकी पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन के साथ जो उनकी टोटल इनकम है उसको डिवाइड किया जाता है तो उससे हमको ये पता चलता है कि किसी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की एवरेज इनकम क्या है एंड द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम तो उसको पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है तो यहां पर एक रिपोर्ट दिया हुआ है इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रैंक ब्राउट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक दिस क्राइटेरिया इज यूज इन क्लासीफाइंग कंट्री तो जो वर्ल्ड बैंक के, के द्वारा जो एक रिपोर्ट दिया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रैंक उसके आधार पर हम किसी भी कंट्री को कंपेरिज़न और उसके आधार उसमें ये क्राइटेरिया यूज़ होता है जो पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया है वो तो उसके मुताबिक कंट्रीज़ विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यू एस डॉलर ट्वेल्व थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स डॉलर पर एन एम कि सालाना एंड अबो इन टू थाउजेंड थर्टीन आर कोल्ड रिच कंट्रीज एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर वन हंड्रेड वन थाउजेंड एंड फोर्टी फाइव और लेस आर कोल्ड लो इनकम कंट्रीज तो यहाँ पर उनका जो कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक जिस कंट्री का किस, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम बारह हजार सात सौ छत्तीस यूएस डॉलर से ज़्यादा है उस कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं और जिस कंट्री का सालाना इनकम एक हज़ार और पैताइस होता है उसको हम उसको हम उसको हम लो इनकम और लो इनकम कंट्रीज कह सकते हैं तो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2013 थाउजेंड वॉज जस्ट यू एस डॉलर वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड तो जो इंडिया है जो हमारी कंट्री है वो किस में आती है लो मिडल लो मिडल इनकम कंट्रीज में आती है द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज तो अब डेवलप्ड कंट्री में कौन सी कंट्रीज आती हैं तो उसमें मोस्टली जो मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर जो कंट्रीज है उसके अलावा जो यूरोप एंड कनाडा जो कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री में आती है तो यहाँ पर एक टैब दिया गया है एवरेज इनकम का तो इसमें एवरेज इनकम क्या है उसके बेनिफिट्स उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं उसमें एक एग्जाम्पल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट कंसिडर टू कंट्रीज ए एंड बी फॉर द सेक ऑफ सिम्पलिसिटी वी हैव एज्यूम दैट दे हैव ओनली फाइव सिटीजन ईच बेस्ड ऑन डेटा गिवर इन टेबल नंबर वन पॉइंट टू कैलकुलेट द एवरेज इनकम फॉर बोथ द कंट्रीज तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर दो कंट्रीज की पर कैपिटल इनकम दी गई है और फॉर द सिंपलिसिटी दोनों की पॉपुलेशन सिर्फ पाँच ही बताई गई है तो हम देखते हैं कि कंट्री ए में है तो उधर सबकी पर कैपिटा इनकम कितनी है तो 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200। तो ये सब उसकी पांच जो वहाँ की पॉपुलेशन उसकी एवरेज इनकम है बट अगर हम कंट्री बी को देखें तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम क्या है 500, 500, 500, 500 एंड फोर्टी एट थाउजेंड तो जो हमको इसमें डिफरेंस दिखाई देता है तो उससे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ देस कंट्रीज़ एंड आर बोथ इक्वली डेवलप्ड तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों सेम है कंट्रीज हैं तो हम देखते हैं तो पहली कंट्री है, तो है उसमें सबकी क्या है पर कैपिटल इनकम तो नाइन नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और टेन थाउजेंड और दूसरी जो कंट्री है उसमें एक ही ऐसा इन, एक ही ऐसा जो इंसान है उसकी 48,000 एट पॉपुलेशन है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सम ऑफ़ अस मे लाइक टू लिव इन कंट्री बी इफ वी आर अज्यूम अज्यूड ऑफ बीइंग इट्स फिफ्थ सिटीजन बट इफ़ इट इज़ अ लॉटरी दैट डिसाइड आवर सिटीजनशिप देन पर मोस्ट ऑफ अस विल प्रिफर टू लिव इन कंट्री ए इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव Identical average income. Country A is preferred because it has more equitable distribution. In this country, people are neither very rich nor extremely poor. On the other hand, most citizens in country B are poor and one person in, is extremely rich. Hence, while average income is useful for comparison, इट डज़ नॉट टेल अर्ज हाउ दिस इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पीपल सो दिस इज़ अन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टेंडिंग द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री तो यहाँ पर एक चीज़ हमको सीखने मिलती है कि अगर हम एवरेज इनकम को किसी कंट्री के साथ कंपेरिजन के लिए यूज़ करते हैं तो उसको उसमें हमको ये तो पता चलेगा कि कोई भी कंट्री का कोई एक एक इंसान है वो कितना कमाता है लेकिन उसके साथ हमको कई सारी जो डिस्पेरिटी यानी कि जो भेदभाव है वो छुप जाएंगे तो यही इस टैब के साथ हमको समझने को मिलता है सो so, हमने इस चैप्टर के अंदर और जो दूसरे जो दो पॉइंट थे वो कंप्लीट कर लिए हैं सो आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टू पॉइंट्स थैंक यू सो मच जय स्वाम